बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा फूलपुर से जगन्नाथ पाल तथा इलाहाबाद संसदीय से रमेश पटेल ने अपने अपने प्रस्तावकों के साथ शनिवार को नामांकन दाखिल किया। बसपा प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के साथ हाईकोर्ट स्थित डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल पर बाबा साहेब को नमन करते हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में कलेक्टरेट पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। बसपा प्रत्याशी जगन्नाथ पाल सहसो स्थित चुनावी केंद्रीय कार्यालय निकट विकास इंटर कॉलेज से निकलकर सहसो के गोल चौराहा स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने जुलूस के साथ हाईकोर्ट चौराहा पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात जिलाधिकारी कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। जबकि बसपा प्रत्याशी रमेश पटेल जसरा ब्लॉक स्थित डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं के साथ हाईकोर्ट स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कलेक्टरेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। यदि मुझे अवसर मिला, मैं क्षेत्र की जनता के लिए निरंतर उनके विकास के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए और हमारी पार्टी का जो शिक्षा सुरक्षा रोजगार की गारंटी का जो काम है उसके मैं काम करने का प्रयास करूंगा। सही पूछिए तो बहुजन समाज पार्टी से कोई मुकाबला है नहीं किसी, बहुजन समाज पार्टी कोई मुकाबला कर ही नहीं रहा है, बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पर, इस सीट पर क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा सुरक्षा, रोजगार, ये हमारे मुद्दे होंगे। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि 400 पार सभी अच्छी सीटें, क्या कहेंगे? ये 400 पार तो सरासर झूठ है, अभी कहीं न मतदान हुआ न गिनती हुई, 400 पार कैसे उनका। इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है उसकी सरकार, इंडिया गठबंधन बहुत पीछे चला गया है। अब यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ाई है और ये परिवर्तन की लहर चल चुकी है, पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर चल रही है, निश्चित परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है पूरी विकास की लहर, कोई पार्टी सामने नहीं दिखेगी। जनता भूखों मर रही है, 5 किलो अनाज दे करके जनता को और गरीब बनाया जा रहा है, महंगाई बढ़ा करके जनता की कमर तोड़ दी जा रही है, ये जनता सब जान चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। आपकी लड़ाई किससे? मैं बताती हूँ आप, लड़ाई हमारी किससे है आपको पता है? बेरोजगारी है, शिक्षा पर है, किसानों की समस्या बहुत बड़ी है, देश में भ्रष्टाचार बहुत है। नहीं नहीं, किसान हमारा रात भर खेतों में रहता है, संविधान रक्षा हेतु बहन जी लड़ाई लड़ रही हैं, 85 की आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं बहन जी। चुनौती किसको मान रहे हैं? चुनौती किसको, अपने की, हमारी पार्टी की? हमारी चुनौती किसी की है ही नहीं, बीजेपी की चुनौती नहीं, किसी की नहीं चुनौती है, कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट हमारे इलाहाबाद में कैसे मान लेंगे हम, जब मेरे पास ऑलरेडी 85 लोग पीछे खड़े हैं तो हम 15 वाले चुनौती कैसे मान लें? 15 में 7.5 हैं, आप कह रहे हैं चुनौती किससे है? लोग क्यों वोट दें आपको? लोग इसलिए वोट देंगे, भाजपा क्यों दिए थे? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए वोट दें लोग। तो क्या बाकी सब झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, 15 लाख खाते में नहीं गई, 40 साल जो है जो कांग्रेस से आए महोदय और 40 साल राज किए हैं, ये नौबत होती तो टिकट लिख लिए गली गली भटकना पड़ता क्या? ये तो मुझे बहन जी का आशीर्वाद है, मैं किसान का बेटा हूँ, बहन जी ने बोलवा के टिकट दे दिया। परिचय बताइए। रमेश पटेल, संसदीय क्षेत्र 52, इलाहाबाद, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ।